शिव मंदिर भवरवा शिला का पूजन कराने पहुंचे अयोध्या से महंत डॉक्टर रामविलास वेदांति महाराज। ऐतिहासिक श्री पतालेश्वर महादेव शिव मंदिर भवरवा को 101 करोड़ रुपए की लागत भव्य रूप दिया जाएगा। सोमवार को विश्व हिंदू महासंघ और श्री पतालेश्वर शिवालय सेवा ट्रस्ट की ओर से आधारशिला का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री राम जन्मभूमि न्याय समिति अयोध्या के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर राम विलास वेदांति महाराज के द्वारा मंदिर के गर्भगृह के जीर्णोद्धार के लिए आधारशिला पूजन किया गया। उसके बाद अयोध्या राम जन्मभूमि के प्रमुख डॉक्टर राम विलास वेदांति ने प्रेस वार्ता कर आजम खान पर किए प्रहार। कहा, आजम खान पर आतंकवादी की धारा लगाकर, राष्ट्र विरोधी धारा लगाकर आजम खान को कश्मीर की जेल में बंद कर दिया जाए तो वो वहाँ अपने भाइयों के साथ में रहेंगे, तभी इसकी पूर्ति होगी। बहुत दिनों से यहाँ स्थापित हैं, उनकी कृपा से यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसीलिए आतंकवादियों के बीच में भी जीवी दसनन मह जीव बिचारी, जैसे दांत के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे ही इन आतंकवादियों के बीच में हिंदू समाज अपने प्राणों की रक्षा करता हुआ भगवान शिव की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए और भगवान शिव के इस पातालेश्वर महादेव मंदिर के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब हिंदू समाज एक हैं और सब मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। आजम खां के आतंक से यहाँ के लोग आतंकित थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यहाँ का आतंक समाप्त हो गया है। नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत का आतंकवाद समाप्त हो गया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी केवल भारत से आतंकवाद को समाप्त नहीं करना चाहते, वो विश्व से आतंकवाद को समाप्त करना चाहते और भारत से आतंकवाद मुक्त, कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का काम 2014 में किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2019 में चुनाव के बाद जब 350 सीट लेकर के नरेंद्र मोदी आएंगे, तब विश्व को भारत से एक शांति का संदेश जाएगा। और जैसे ही पार्लियामेंट में जा करके प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, वैसे ही इस बार 370 धारा समाप्त होगी, इस बार समान नागरिक संहिता लागू होगी, इस बार श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यसभा में बहुमत को प्राप्त करेगी, हमारे सब कानून पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। हम देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और जाति पाति भेदभाव छुआछूत की भावनाओं से ऊपर उठकर सब समाज को साथ में लेकर के चलेंगे, जिससे इस देश में शांति की स्थापना हो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई और अब इस समय विश्व की नंबर वन की पार्टी है और भारत में नंबर वन की पार्टी है और भारत में नंबर वन की सरकार है। ऐसी सरकार आज तक किसी ने नहीं चलाया जैसी सरकार नरेंद्र मोदी ने चलाया। ठीक, नरेंद्र मोदी से आतंकवादी डरे हुए हैं और उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हम सब लोग नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं। पातालेश्वर महादेव से प्रार्थना है यहाँ के लोगों की रक्षा करें और संजय गुप्ता को आशीर्वाद देता हूँ कि जिन्होंने आप सबको बुला करके पातालेश्वर महादेव के इस मंदिर के शिलान्यास की व्यवस्था सुनिश्चित किया है।